बेस्ट यूपी के मेरठ की बात की जाए तो मेरठ की स्पोर्ट्स सामग्री विश्व विख्यात है। एशिया भर में मेरठ की स्पोर्ट्स सामग्री की सप्लाई होती है। चाहे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच हो, यहाँ के बल्ले और बॉल आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी यहीं से बैट्स खरीदने आते हैं। वहीं दूसरी ओर क्रिकेट 20 वर्ल्ड कप को देखते हुए मेरठ की स्पोर्ट्स मार्केट में काफ़ी उत्साह है। बड़ी संख्या में यहाँ पर स्पोर्ट्स सामग्री तैयार की जा रही है, जिनकी डिमांड भी आ रही है। क्योंकि देखा जाता है जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच होता है तो देश भर में भी युवाओं में काफ़ी क्रेज होता है। ऐसे समय में जहाँ देश भर में ऐसी स्पोर्ट्स सामग्री चाहे बॉल हो बैट हो उनकी खरीदारी की जाती है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाता है कि बड़ी मात्रा में इनकी डिमांड की जाती है। इन्हीं बातों को देखते हुए स्पोर्ट्स मार्केट में भी बल्ले बॉल सहित अन्य जो भी क्रिकेट सामग्री हैं वो तैयार की जा रही हैं। एक सर हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अब क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है 20, और उससे पहले देखा जाता है कि मेरठ से काफ़ी बड़ी मात्रा में बल्लों की डिमांड होती है, किस तरह का नज़ारा रहता है जब कोई भी वर्ल्ड कप या किसी तरह का इस तरह का कोई आयोजन हो? देखिए, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो कोई सा भी और अदर कोई कप हो, IPL हो, उससे कहीं ना कहीं व्यापार पर बहुत तेज़ी आती है और सभी व्यापारियों को एक अच्छा मौका मिलता है व्यापार करने का। तो अब की बार भी डिमांड की पूरी उम्मीद है, माल तैयार किया जा रहा है? बिल्कुल उम्मीद है, और हमेशा काम जब भी मैच होते हैं बढ़ता है और अब की बार भी बढ़ेगा। ऐसी क्या खासियत है कि जो यहाँ के बैट की डिमांड रहती है? देखिए, बैट सबसे बड़ी बात तो है कि जो कश्मीरी विलो लकड़ी है वो कश्मीर में ही पाई जाती है, और जो जिसका आधा हिस्सा हिंदुस्तान में और थोड़ा सा हिस्सा उसका पाकिस्तान में है, दो ही जगह ये बैट मिलते हैं, या तो पाकिस्तान में मिलते हैं या हिंदुस्तान में मिलते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, एक बैट बनता है पॉपुलर लकड़ी का, वो भी यहीं पे मिलता है। और तीसरा बैट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होता है इंग्लिश विलो का बैट, लेकिन उसके लिए हमारी जो है लकड़ी इंग्लैंड से इम्पोर्ट की जाती है, उसके बाद उन्हें बना के दोबारा से एक्सपोर्ट किया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि आधुनिक मशीनों के सामने भी हमारे हाथ की कारीगरी जो है, यहाँ के कारीगरों की, उसका कोई तोड़ नहीं है। देखिए, बिल्कुल, जो यहाँ के कारीगर हैं बड़े कुशल कारीगर हैं, और उन्हीं कारीगरों के दम पे बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो सब टिके हुए हैं। जैसे कि न्यूज 18 लोकल से खास बातचीत करते हुए अनु सिंगल ने भी बताया कि मार्केट में काफ़ी उत्साह है कि बड़ी मात्रा में स्पोर्ट्स सामग्री की बिक्री होगी। न्यूज 18 मेरठ से विशाल भट्टागिरी की रिपोर्ट।